देखो भाई, ये किसी बिजनेसमैन का ही घर लगता है भाई। बहुत मस्त घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा भी है, किसी बिजनेसमैन का। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई आज मतलब कम से कम 5-6 दिनों बाद मैं बड़ा व्लॉग डाल रहा हूँ, तो भाई सॉरी उसके लिए। शॉर्ट डाला था, टाइम मिल नहीं पा रहा था, बहुत बिजी चल रहा था आजकल, थोड़ा सा काम वाम ज़्यादा पड़ गया था। तो भाई आज हम जो जा रहे हैं ना, इसमें कुछ कपड़े इसको फिटिंग कराने जा रहे हैं और दवाई लेने जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं दवाई लेने के लिए बाहर, साइकिल लेने चलते हैं, पर साइकिल से चलेंगे आज। सो भाई अभी बाहर आ गए साइकिल से, ये साइकिल हमारी मतलब हमारी नहीं किसी और की है, साइकिल से बाहर आ गए भाई। मौसम भी एकदम कैंट हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, मौसम इतना तगड़ा हो रहा है, धूप वूप सही से निकली हुई है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो टी शर्ट ही पहन रखी है हमने। तो अभी चलते हैं बत्ती, ओहो यार अब तो वेट करना पड़ेगा, चल गए सामने वाली बत्ती। सो भाई अभी रोड की दूसरी तरफ आ गए, इस तरफ आ गए हैं रोड के। भाई यार कैमरा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा, काफ़ी अच्छा मतलब शूट कर रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो गई है, पता नहीं यार कुछ दिनों से बनाया नहीं ना, तो ऐसे ही लग रहा होगा मुझे। तो अभी आगे, सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी आ गए हैं और हमारा स्कूल भी आ गया, अभी स्कूल दिखाएंगे आपको। तो अभी आगे चलते हैं, पहले जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे। गाइस ये है हमारा स्कूल जिससे हम पास आउट हुए। कितना टाइम लगेगा वैसे अंकल, कितना लगभग? आप कितने देर में आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, ठीक है? 10 मिनट का काम है, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मतलब। चलो मैं आ रहा हूँ। तो गाइस अंकल को कपड़े दे दिए, तो अभी थोड़ी देर मतलब अभी आगे से सामान लेकर आना है, कुछ सामान लेकर आते हैं, उसके बाद फिर अंकल के पास आएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, चलते हैं। सो गाइस आ गए हैं मेडिकल शॉप पे और ये दवाई लेनी है हमें, और एक सॉफ्ट बैग लेना था वो लेते हैं। तो भैया एक ये दवाई दे दो, ये वाली, और एक सॉफ्ट बैग दे दो। क्या हुआ, नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी? ओहो तो सॉफ्ट बैग दे दो फिर जब तक। भाई अभी हमें दवाई मिली नहीं, सॉफ्ट बैग भी नहीं मिला, दवाई भी नहीं मिली, अब हम चलते हैं तिमारपुर, वहाँ से दवाई लेकर आते हैं। जब तक कपड़े भी हमारे हो जाएंगे तभी तिमारपुर चलते हैं पहले। सो भाई अब निकल चुके हैं तिमारपुर के लिए। आप जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ये किसी MLA का घर है शायद, एक अंकल उधर थे, MLA मतलब पॉलिटिशियंस का घर है किसी, बहुत अच्छा भाई अंदर से भी। तो हमको कुछ मतलब नहीं वैसे अभी, तो हम अब आगे चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो गाइस हम न्यू केमिस्ट शॉप पर आ गए, उम्मीद है कि ये दवाई हमें मिल जाएगी यहाँ पर, तो अभी दवाई लेते हैं और जब तक तो टाइम हो जाएगा कपड़े हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगी यहाँ पर, वैसे मिल जाते हैं क्योंकि दवाई जो और भी है ना, मैं काफ़ी बार आ भी चुका तो मिल जाती है, तो अभी चलते हैं दवाई लेने। सो गाइस हमारी दवाई हमें मिल गई थी, ये सॉफ्ट बैग और ये दवाई मिल गई थी और पूरी उम्मीद मिल भी गई वैसे भी। तो अभी चलते हैं दुकान पर और अंकल से लेते हैं कपड़े और उसके बाद घर चलते हैं पहले। सो गाइस हम जा रहे होते घर की तरफ और हमें दिखता है एक घर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत बड़ा घर है, शायद वो किसी बिजनेसमैन का ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये किसी बिजनेसमैन का ही घर लगता है भाई, बहुत मस्त घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा भी है, किसी बिजनेसमैन का ही लगता है यार ये घर। और गार्ड के लिए इतना सही रूम बना रखा है वहाँ पर भाई, इसमें तो भाई कितने लोग रह लेंगे, 250 से ज़्यादा लोग रह लेंगे, और ये आगे तक भी है। तो अभी घर चलते हैं पहले हम इस तरफ। हो गया अंकल जी, चलो कर दो फिर, मैं वेट कर लेता हूँ अब। अंकल ने कपड़े भी करे नहीं है मतलब, कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी और कुछ काम है वो कर रहे हैं, उसके बाद करते हैं मतलब काम निपटा के, वाला काम हमारा काम करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं घर पे। सो गाइज हमारा काम हो गया, कपड़े वपड़े फिट कर दिए अंकल ने, तो अब घर चलते हैं। अंकल जी कर दिए फिट आपने, है ना पूरे? हो गए तो भैया पैसे देकर चलते हैं अभी घर पे। भाई अंकल को हमने क्या कहते हैं, पैसे वैसे देके अपने कपड़े वगैरह लिए थे जो फिटिंग कराए थे, और अभी देखते क्या करना है। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मतलब काफ़ी कीमती है मेरे लिए। तो सो भाई ये देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये देखो क्या लिखा है, डियर अंकुश ड्रीम बिग श्रद्धा कपूर। सो भाई ये जो आप है ना, ये श्रद्धा कपूर का ऑटोग्राफ है, देखो इसे मैंने ना लेमिनेट करा लिया, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये लेमिनेट करा लिया मैंने इसे। सो भाई मैंने पता है ये ना, जब हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग हो रही थी ना, उसमें क्या कहते हैं उसे, स्टीफन कॉलेज में, स्टीफन कॉलेज है ना हमारे घर के पास ये, मतलब आगे आगे पटेल जस्ट पे, तो वहाँ पर है स्टीफन कॉलेज। तो वहाँ पर जब श्रद्धा कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग हो रही थी तब मैंने ये ऑटोग्राफ लिया था, और भाई मैंने इसे अभी भी संभाल के रख रखा है। मैंने आज पता है भाई 2016 या 2017 में बनी थी, तो 6 साल हो गए लगभग, तो 6 साल बाद आज इसे लेमिनेट कराया मैंने, तो भाई काफ़ी संभाल के रखा है, जिसे संभाल के रख दूँगा अभी ख़राब नहीं होगा। तो भाई मतलब ज़्यादा मुश्किल से भी नहीं मिला था, मैंने मैम से बोला था मेरा ऑटोग्राफी हो, तो मेरे को अंदर बुला करके फिर पेन से दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती ना, फिर सबको देना पड़ता ऑटोग्राफी की वजह से, फिर मेरे को अंदर जाके ऑटोग्राफ दिया था। तो भाई ये संभाल के रखा है, और अभी देखते हैं करना क्या। तो
तो भाई अभी आरुष को छोड़ने जा रहे हैं और देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे इसको लेकर ही जाएंगे, ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। ये देखो मट्टी में खेल रहा है। सुनो, ट्यूशन चलोगे कि नहीं चलोगे? क्यों? क्या 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 दोबारा बोलना? आज होली है? हाँ। कैसे? आज मैं होली बना रहे। अच्छा तो तुम होली बना रहे थे, छुट्टी है आज? हाँ। इसको रखो और चलो, हाथ वाथ धो के चलो, गंदे हो रखी हो जाके साफ करो जाके, चलो ढूंढ, चलो हाथ वाथ धो चल के चलो घर चलो। झूठ नहीं बोला, सच बोला, ढूंढ चलो। ये भी यार उसका बैग लेकर आ गए हैं, इसको पहनाएंगे वहीं पे गैरेज के पास लेके जाते हैं बैग और बाइक निकालते हैं। देखना भाई बहाने बना रहा है, बोला होली है आज, इसमें पागल बनाता है, तो उसका भी ट्यूशन छोड़ने चलते हैं। सो गाइज हेलमेट पहन लिया है और सेफ्टी ज़रूरी है, तो भाई बाइक भी निकाल लिया, अब इसको स्टार्ट करके चलते हैं उसके पास उसको लेने। तो सेफ्टी भाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी हेलमेट लगाया करो, मैंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब निकालते हैं बाइक। सो भाई आरुष यहीं पर आ गया है, चले यार ट्यूशन। हाँ। तुम यहाँ पर क्यों आए? मैं तो तुम्हें वहीं लेने आ रहा था, क्योंकि मैं बैठने आ रहा था, तुम सोचे इसमें बैठो खत्म है तो मैं जल्दी बैठने जाता हूँ। भाई पता नहीं कितनी बातें बनाता, कितनी बातें बनाता, समझ ही नहीं आता। तो भाई अभी चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, फ़ोन को रखते हैं जेब में। सो भाई अभी आरुष को ट्यूशन छोड़ दिया और बाइक को लॉक कर दिया अच्छे से, पन्नी वन्नी डाल दिए, तो भाई ये काम निपटा दिया। अब काम है कि नहीं वो तो बाद में देखना पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं दीदी के घर पे और पिक्चर देखते हैं या फिर आराम करके सो जाते हैं। सो भाई आरुष घर पे आ गए थे, आरुष के ट्यूशन से भी ले आए थे, इसके पापा लेकर आए थे आज। तो भाई अभी यार तुम ढंग से रहो। तो भाई इस ब्लॉग को अब करते हैं एंड, आई होप ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और कमेंट करना भाई यार सब्सक्राइब करो भाई, एक सब्सक्राइब करने में एक बटन में कुछ नहीं आता यार आपका, सिर्फ कुछ भी नहीं आता, बस एक टच करना होता है ना। तो बोलो अभी वीडियो को सब्सक्राइब वाला बटन टच करो। हाँ तुमको नहीं, बोलो कैमरे में कि टच करने के लिए बोलो कि सब्सक्राइब वाला बटन टच कर दो, दबा दो सब्सक्राइब कर दो, दबा दो ठीक है ओके। सो भाई अब एक थंबनेल के लिए फोटो खींच लेते हैं।